भूषण शरण सिंह का टिकट कटा नहीं है, बल्कि टिकट शिफ्ट हुआ है और उनके बेटे को टिकट देने के साथ भाजपा ने एक तीर से दो निशाना साधा है। बृजभूषण शरण सिंह के जो वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनको भी अपनी पार्टी के साथ जुड़े रखा और विपक्ष के मुंह पर भी ताला लगा दिया। तो बीजेपी ने सिराज जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं, उसी आधार पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे करण भूषण को चुनावी मैदान में जीत दिलाना चाहते हैं। तमाम जनसभाओं से ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक बाप के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है जब वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप रहा है, और मैं बिल्कुल राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं, बल्कि मैं फ्री हैंड अब राजनीति कर पाऊंगा। और करण भूषण के जो है समर्थन में जन समर्थन की अपील करते हुए नजर आए। इसके साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट, मैं हूं आपके साथ सिराज। बृजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया, लेकिन फिर भी अपने बेटे करण भूषण सिंह के लिए लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का अब राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है? क्या बृजभूषण शरण सिंह अब राजनीति से संन्यास लेंगे? जिस तरीके से कैसरगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव रहा है, कहीं ना कहीं इसकी प्रमुख वजह यही थी कि भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर इतनी ज़्यादा जद्दोजहद में जुटी हुई थी। लेकिन इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान जो आया है, उनके संन्यास को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ज़रा सुनिए। ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो, ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो, पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करना है। मुझे पता है कहां सड़क की जरूरत है, मुझे पता है कहां पुल की जरूरत है, मुझे पता है कहां रेल के ऊपर ओवरब्रिज की जरूरत है, मुझे पता है कि करनैलगंज में घंटा घंटा जाम लगता है, मुझे पता है क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता, और अब तो मैं छोटा कांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं। का करिए हमार, का करिए, लड़े जीती है ना, और हमसे ज्यादा मनई उद्योग लगे नहीं है, तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं, किन किन बेचारे गरीबों को भी घर नहीं मिला है हम देख रहे हैं, किस किस पुरवा पर बिजली नहीं लगी वो भी हम देख रहे हैं, हम सारी दिक्कत देख रहे हैं। तो हम चुप बैठने वाले नहीं है, आपको डबल सांसद मिलेगा, डबल। तो सुना आपने कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर कहते हैं कि अभी मेरा राजनीतिक जो कह सकते हैं करियर है वो समाप्ति की ओर नहीं बढ़ा है और मैं आगे भी काम करता रहूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, कोर्ट से भी उनके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं, तो क्या अब बृजभूषण शरण सिंह की राजनीति में वापसी होगी और क्या अब भारतीय जनता पार्टी उन पर दोबारा भरोसा जताएगी? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। और जिस तरीके से कल करण भूषण सिंह के समर्थन में बृजभूषण शरण सिंह ने जो है जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद से उनका एक बयान सामने आता है जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि मुस्लिम जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं मेढ़ी पीढ़ियों से है और 5 पीढ़ी पहले के अगर DNA टेस्ट करवाया जाए तो उसमें साफ तौर पर देखा जाएगा कि जो ये लोग थे मेढ़ी पीढ़ी के थे। इस मुद्दे को लेकर के हम तमाम अपने न्यूज रूम में सहयोगी से चर्चा करेंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक सफर किस ओर जाएगा, क्योंकि अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। मेरे साथ अब रहा है, उनसे पहला सवाल लेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया, उसके बाद से लगातार वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, कोर्ट से उनके खिलाफ आरोप भी तय हो गए हैं, लेकिन उनका टिकट कटने के बाद क्या अब उनका राजनीतिक भविष्य है वो खतरे की ओर जा रहा है? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा नहीं है, बल्कि टिकट शिफ्ट हुआ है और उनके बेटे को टिकट देने के साथ भाजपा ने एक तीर से दो निशाना साधा है। बृजभूषण शरण सिंह के जो वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनको भी अपनी पार्टी के साथ जुड़े रखा और विपक्ष के मुंह पर भी ताला लगा दिया। तो बीजेपी ने एक बड़ी चाल चली है। अब आप ये जो सवाल है आपका कि उनका राजनीतिक भविष्य ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह फिर से एक बार वापसी करेंगे, क्योंकि उनका दबदबा किस तरीके का है ये आपने देखा
देखा है कई बार जब पार्टी उनके ऊपर जो है कुछ भी बोलने से परहेज कर रही थी, और वो छोट भाई के जो नेता होते हैं उनकी बात अलग है, जो पार्टी का हाई कमान है वो भी उस पर कुछ बोलने से परहेज कर रहा था। तो आप सोचिए कि पार्टी में उनकी किस तरीके की पहुंच है, किस तरीके का दबदबा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खासकर जो उनके समाज के लोग हैं और जो कैसरगंज लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो उस सीट पर भी अभी तक उनके मध्य मुकाबिल कोई बड़ा नेता उस तरीके से निकल कर के सामने नहीं आया है जो उनको उस तरीके से चुनौती पेश कर सके। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें बीते दो दिन तीन दिन की, तो उसमें जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने जो 5000 गाड़ियों का काफिला निकाला और फिर जो है वहाँ पर अपना दमखम दिखाने की कोशिश की, ये बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह का जो समाज में एक पकड़ है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, वो जो है उनका खुद का समाज जो जिस समाज से वो आते हैं, हिंदू समाज हो, तमाम जगहों पर उनकी पकड़ है और इस बात को उन्होंने दिखाने का हर तरीके से जो है प्रयास भी किया है। जब इस तरीके के आरोप उनके ऊपर लग रहे थे तो वो उन तमाम समाज के साथ जाकर मुलाकात करके वो तस्वीरें वो वीडियोस जो है वो वायरल करवा रहे थे और ये बता रहे थे कि किस ढंग से उनको बदनाम करने की एक साजिश जो है वो रची जा रही है। लेकिन कोर्ट में मामला लंबित है तो जाहिर सी बात है कि इस पर ज़्यादा टिका टिप्पणी नहीं की जा सकती। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी जो है इस आरोप के सिद्ध हो जाने के बावजूद भी सबसे मजबूत उम्मीदवारी जो है अपनी जो है वो पेश कर रहे हैं, और अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को उन्हें हराना है तो उस सीट पर ख़ास तौर से जो है उनके खिलाफ एक माहौल बनाना पड़ेगा। भले ही देश भर में या दिल्ली में उनके खिलाफ माहौल ज़रूर है, चर्चाएँ ज़रूर है, लेकिन उस सीट का माहौल जो है वो उनके पक्ष में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का जिस तरीके से वहाँ पे सियासी रसूख है कहीं ना कहीं वहाँ पे विपक्ष कमज़ोर नज़र आता है। क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट ऐसा था जिसको लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर बयान दे रहे थे कि अगर पार्टी एक दो दिन पहले भी टिकट देती है तो निश्चित रूप से ये सीट मैं उन्हें जीत कर दूंगा। लेकिन आखिरकार उनके बेटे के नाम पर जो है मुहर लगती है और उसके बाद करण भूषण सिंह के जो है उनके नाम पर मुहर लगती है और वही जो है कैसरगंज से उम्मीदवार बनते हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा रहेगा दिनेश से कि दिनेश, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के जो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं आ रही हैं और लगातार वो चुनाव प्रचार में हैं और कह सकते हैं बयान भी जारी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या ब्रजभूषण शरण सिंह उस सियासी रसूख को कह सकते हैं जुटाने के लिए और कोशिश में है, क्योंकि अब उनका टिकट कट चुका है और उनके बेटे को टिकट मिल चुका है, तो क्या अब उनके बेटे उतना प्रभाव डाल पाएंगे जितना ब्रजभूषण शरण सिंह का वहाँ पर कह सकते हैं प्रभाव है? देखिए यहाँ पर सिराज, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं उसी आधार पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, बेटे करण भूषण को चुनावी मैदान में जीत दिलाना चाहते हैं, तमाम जनसभाओं से ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक बाप के लिए इससे अच्छा वक्त क्या हो सकता है जब वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप रहा है, और मैं बिल्कुल राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूँ बल्कि मैं फ्री हैंड अब राजनीति कर पाऊँगा, और करण भूषण के जो है समर्थन में जन समर्थन की अपील करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बीजेपी हाईकमान हो, इस पर भी खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है संगठन में, ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से मैं खुश नहीं हूँ, यानी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब तक सिराज एक देखने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर गृहमंत्री अमित शाह हों, ये उनके चुनावी जनप्रचार के लिए अभी तक कैसरगंज नहीं पहुँचे हैं क्योंकि पाँचवें चरण में यहाँ पर मतदान होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं इस चीज़ से कि एक यौन उत्पीड़न के मामले उनके ऊपर साबित होते हैं और उसके बाद भी उनके परिवार को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, टिकट दिया जाता है उनके बेटे को, और उसी आधार पर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष घेरने की कोशिशें कर रहा है, बशर्ते अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर यहाँ पर अखिलेश यादव की बात करें, तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी तमाम महिला सुरक्षा सम्मान के जो है ढिंढोरा पीटती है लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ पर कुछ भी कदम नहीं उठाए जाते हैं, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में जितने ये जो नेता मौजूद हैं सभी ने यहाँ पर महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं को अपमानित करने का काम तो किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और साफ तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात का दावा भी करते हैं कि मेरा जो सबसे ज़्यादा मेरी पहचान है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में है, जो मेरी लोकप्रियता है वो हरियाणा में है, क्योंकि खेल के क्षेत्र में जिस ढंग से मैंने कार्य किया है उसकी सराहना और उसका फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा को मिला है। मेरा अगला सवाल रहेगा अमन सर से कि अमन सर, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह साफ तौर पर बयान दे रहे हैं कि जो अभी मेरा राजनीतिक सफ़र है वो ख़त्म नहीं हुआ है और मैं आगे भी काम करता
करता रहूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोर्ट में उनके खिलाफ जो है आरोप तय हो गए हैं, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर भी कहीं ना कहीं सबकी निगाहें बनी हुई है। तो क्या बृजभूषण सरन सिंह पर जनता विश्वास कर पाएगी? क्या कह सकते हैं जिस तरीके से उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, अब जनता उनसे ऊपर उठकर जो है उनको वोट देती हुई नजर आएगी? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, अब तक तो सिर्फ आरोप ही थे, लेकिन अब वो आरोप तय होते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है कि उनके ऊपर जो आरोप हैं और जिस तरह से आरोप तय हुए हैं, उसके बाद जनता का जो रुख है वो भी मुड़ता हुआ या अलग होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अब तक बृजभूषण ये बात कहते रहे कि भाई जो आरोप लगे निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनमें सच्चाई नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते हुए नजर आए थे कि अगर इनमें ज़रा भी सच हुआ तो मैं अपने हाथों अपने कह सकते हैं गले में फंदा डाल लूंगा फांसी का और मर जाऊंगा, ये सब बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से अब आरोप तय हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर बीजेपी भी जिस तरह से उनके ऊपर बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन जिस तरह का रुख दिखा रहे वो ये बताता है कि यहाँ पर बृजभूषण की जो राजनीति है लगभग वो स्टॉप होती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखें कि उनके बेटे को टिकट दिए जाने का मतलब कहीं ना कहीं यही है कि अब बृजभूषण से आगे कहीं ना कहीं बीजेपी देख रही है, और ऐसे में बृजभूषण का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अगर उनको हटाते हैं, उनके परिवार को हटाते हैं, तो बीजेपी के लिए नुकसान हो जाएगा। लेकिन कम से कम ये तो आप मानकर चलिए कि अब बीजेपी बृजभूषण से आगे की तरफ देख रही है, और यहाँ पर अगर उनके बेटे को टिकट दिया गया है तो आप यहाँ से पूरी तरह से ऐसा लगता है कि बृजभूषण का जो पॉलिटिकल करियर है अब पूरी तरह से स्टॉप होता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे में बृजभूषण क्या फैसला करेंगे, किस तरफ जाएंगे, क्या आने वाले दिनों में किस पार्टी का रुख करने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं कि क्या कांग्रेस या सपा या बसपा किसी भी पार्टी की तरफ वो जा सकते हैं, और बीजेपी से लगभग उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आप देख रहे हैं कि किसी भी नेता ने उनके पक्ष में या अभी तक उनके बारे में एक भी बयान नहीं दिया है, उनका टिकट और काट लिया है। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि बीजेपी में जो उनकी राह है वो पूरी तरह से ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ती है। तो हो सकता है कि बृजभूषण आने वाले वक्त में अपने लिए कोई नई राह तलाशते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बृजभूषण अपने लिए कोई रही नई जो राह है वो कहीं ना कहीं तलाशते हुए नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बृजभूषण सरन सिंह का जो सियासी रसूख है, क्या अब भी उसमें जो है उतना प्रभाव है, क्या उसमें कमी आई है? क्योंकि महिला पहलवानों का आरोप और कोर्ट से जो है आरोप तय होने के बाद उसके बाद से कैसरगंज लोकसभा सीट से उनका टिकट कटना, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर बृजभूषण सरन सिंह का जो राजनीतिक सफर है क्या वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल आप इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।